आप गर्व से आप सीधा चौड़ा करके कहते कह सकते हैं कि हम जब बटन दबाते हैं तो हम प्रधानमंत्री बनाते हैं, ये आप कह सकते हैं। तो मित्रों आज हम उन्हीं के लिए, उन्हीं को मजबूत करने के लिए, उनका समर्थन बढ़ाने के लिए और उन्होंने जो जन भावनाओं को आदर करते हुए लोगों की जिंदगी में बदलाव लाने का जो संकल्प किया, उस भावना को प्रणाम करते हुए उनको ही आशीर्वाद प्रदान करें। ये हमारी सब मित्रों से, सारी बहनों से, सारे भाइयों से मेरी प्रार्थना है। मुझे खुशी है कि 3000 से ज्यादा आबादी वाला ये गांव है जिसमें 1000 से ज्यादा लोग दलित समाज के लोग रहते हैं। अंबेडकर जी, जो अंबेडकर जिन्होंने भारत का संविधान लिखा, जिन्होंने भारत का दस्तूर बनाया, उन्होंने आज तक कांग्रेस इतने साल सत्ता में रही, जब कांग्रेस का जमाना था 1952 से लेकर 1962 तक, तो वो कहते थे कि ये अंबेडकर के साथ चलने वाले को जय अंबेडकराइट है, उसको एक तरीके से अलग थलग मानते थे। स्वाभिमान जो मोदी जी ने बढ़ाया और खास तौर से बनारस की जनता का जो मान मोदी ने बढ़ाया, तो मैं पूछना चाहता हूं आपसे, क्या कोई दूसरा एमपी इस प्रकार से स्थिति को पैदा कर सकता था? आज चाहे मन की बात हो और चाहे मोदी जी किसी दूसरे कार्यक्रम में विधायक और सांसद के कार्यक्रमों में बोले, और चाहे किसान की बात कहे, चाहे छात्रों की, महिलाओं की, या समाज के विभिन्न वर्ग, व्यापारियों की, किसी विषय के ऊपर अगर वो बोलते हैं।